जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माँ मंगला गौरी व्रत से जुड़े हुए आपके प्रश्नों के बारे में। आप सभी के प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में आए थे, उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है। आपके प्रश्न आए थे, माँ मंगला गौरी का मंत्र क्या होता है ये बताइए, और भोग हमें माँ को क्या अर्पित करना चाहिए, कौन सी वस्तु का भोग माँ को अर्पित करें जिससे माँ प्रसन्न हो। पहला मंगलवार अगर छूट जाता है किसी भी कारणवश, तो क्या हम आगे के मंगलवार के व्रत कर सकते हैं, और अगर हम आगे मंगलवार करते हैं तो कितनी संख्या में करें। क्या कुंवारी कन्याएं भी सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं, और अगर कुंवारी कन्या सुहाग की सामग्री चढ़ाती है तो फिर उस सामग्री का क्या करना चाहिए। और अगला आपका प्रश्न है, षोडश मातृका क्या हर बार बनाना जरूरी है, और आटे के दिए का क्या करना चाहिए, जो हम हर बार जो आटे का दीपक प्रज्वलित करते हैं उस दीपक का क्या करें, षोडश मातृका में जो सामग्री हम जिस सामग्री से षोडश मातृका बनाते हैं उस सामग्री का क्या करें, क्या मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है, हर सुहाग की सामग्री 16 की संख्या में ली जाएगी या फिर कुल मिलाकर 16 होगी, जैसे कि हर सुहाग की सामग्री 16 से आपके प्रश्न थे इस प्रकार से कि जैसे मेहंदी 16 होनी चाहिए, बिंदी के पत्ते 16 होने चाहिए, 16 सिंदूर की डिब्बी होनी चाहिए, इस प्रकार से सारी सामग्री 16-16 की संख्या में हो या फिर कुल मिलाकर 16 सामग्री हम चढ़ा सकते हैं। सुहाग की सामग्री कब दान करना चाहिए, उद्यापन वाले दिन या फिर हर बार, हर मंगलवार का हम व्रत करें और बुधवार को दान कर दें, क्या इस प्रकार से करना चाहिए। और अगला जो आपका प्रश्न है, जो कि बहुत आवश्यक प्रश्न होता है सभी स्त्रियों के लिए, कि पीरियड्स में किस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए, तो इस तरह के सभी प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो बात करते हैं आपके पहले प्रश्न के बारे में, माँ मंगला गौरी का मंत्र क्या होता है। देखिए, माँ मंगला गौरी के कई सारे मंत्र हैं, जैसे कि एक सबसे छोटा मंत्र मैं आपको बताऊं, ओम ह्रीम गौरियै नमः। ओम ह्रीम गौरियै नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। ओम पार्वत्यै नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। और अगला जो माँ का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये भी माँ गौरी का ही मंत्र है। और या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार से माँ महागौरी के बहुत सारे मंत्र हैं। आप किसी भी मंत्र के द्वारा माँ गौरी की आराधना कीजिए और मन से कीजिए। एक छोटा सा मंत्र भी अगर आप जपने में आपको आसान है, जैसे कि ओम ह्रीम गौरियै नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप पूरी पूजा संपन्न कर सकते हैं। और जो मंत्र अगर आप माला से जपना चाहते हैं तो 108 की संख्या में या फिर इससे अधिक भी इसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर ये सभी मंत्र दे दूंगी, आपको जो भी ठीक लगता है उस मंत्र का आप जाप करें, माँ की आराधना करें। अगला जो आपका प्रश्न है, माँ मंगला गौरी को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, माँ मंगला गौरी को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, माँ मंगला गौरी को भोग में आप कोई भी वस्तु जो श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार माँ को अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आज मंगलवार का दिन होता है तो माँ मंगला गौरी को गुड़ का भोग अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। गुड़ से बनी हुई वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं, गुड़ से बने हलवे का भोग लगा सकते हैं आप, या फिर आप चीनी से बने हुए हलवे का भोग भी लगा सकते हैं, आटे और गुड़ का हलवा, या फिर सूजी का हलवा भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। गुड़ से बनी हुई चीज़ या फिर सफ़ेद मिठाइयाँ माँ को बहुत प्रिय हैं, तो सफ़ेद मिठाई जैसे कि दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या फिर दूध से बनी हुई खीर का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। फलों का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं, 16 प्रकार के फल माँ को अर्पित कर सकते हैं, 16 प्रकार के मिठाइयाँ माँ को अर्पित कर सकते हैं। ये सब हमारी सामर्थ्य पर भी निर्भर करता है कि हमारी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हम माँ को वस्तुएं अर्पित करें भोग स्वरूप में। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ को कोई भी वस्तु भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। मिश्री बतासे का भी भोग लगा सकते हैं, और अगर आपके पास सामर्थ्य है आप मिठाई बना सकते हैं, या फिर बाजार से मंगवा कर भी आप सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, 16 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि पहला मंगलवार अगर छूट जाए, ये कई लोगों का प्रश्न था कि पहला मंगलवार अगर छूट गया हो किसी भी कारणवश, किसी का पीरियड्स था या किसी को याद नहीं रहा, तो अगर ऐसे में छूटने के बाद क्या हम अगले मंगलवार को व्रत शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आप अगले मंगलवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी 3 अगस्त को मंगलवार होगा, सावन का
दूसरा मंगलवार, तो आप उसको कर सकते हैं। और कितनी संख्या में करें, तो इस पर हर किसी के अलग अलग विचार होते हैं, सबके परिवार की परंपराएं भी होती हैं। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि लोग सावन से शुरू करते हैं और फिर अगले सावन तक करते हैं, यानी एक साल का वो पूरा मंगला गौरी का व्रत करते हैं। और कई जगह पर ऐसा होता है कि 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। जैसे आपने इस सावन में शुरू किया है तो 5 साल तक लगातार मंगला गौरी व्रत करते हैं। कुछ लोग सिर्फ सावन सावन के ही मंगला गौरी व्रत करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ जैसे सावन से शुरू करके 16 सोमवार जिस प्रकार से हम करते हैं, उसी प्रकार से 16 मंगला गौरी का भी व्रत किया जाता है। तो ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, या अपने परिवार की परंपरा जिस प्रकार से है उस प्रकार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। हाँ, शुरू जरूर आपने आपका पहला अगर छूट जाता है तो आप दूसरे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने परिवार में जिस प्रकार से चीज़ें होती हैं हमें उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न था कि उनके घर में मंगला गौरी व्रत नहीं होता है लेकिन वो करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। माँ मंगला गौरी का व्रत करने से जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन मंगलमय होता है, परिवार में मंगल का वातावरण होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, विवाह में अच्छी अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, संतान की प्राप्ति होती है। तो आप किसी भी कामना से माँ मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं, और अगर आपके परिवार में नहीं होता है तब भी आप मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। माँ गौरी की पूजा कोई भी कर सकता है, कहीं संशय नहीं है। अगला जो आपका प्रश्न है, क्या कुंवारी कन्याएं भी सुहाग की सामग्री अर्पित करें, और अगर वो हर बार सुहाग की सामग्री चढ़ाती हैं तो फिर उसका क्या करना चाहिए? देखिए, माँ गौरी के व्रत में सुहाग की सामग्री अर्पित करना बहुत आवश्यक नियम है। तो ये नियम सभी के लिए है, आप कुंवारी कन्या हैं तब भी आप सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। आप इस सुहाग की सामग्री को, जैसे कि आपके परिवार में कोई सुहागन महिला हो आप उसको दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, मतलब किसी भी सुहागन स्त्री को आप ये सुहाग की सामग्री दान कर दीजिए। लेकिन चढ़ानी जरूरी होती है, आप 16 की संख्या में चढ़ाएं या 5 सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, अपनी इच्छा के अनुसार माँ को जरूर आपको चूड़ियाँ मेहंदी ये सब चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। षोडश मातृका को लेकर कई प्रश्न आए थे कि क्या हर बार षोडश मातृका बनाना जरूरी है? देखिए, षोडश मातृका और नवग्रह माँ मंगला गौरी के व्रत में हर बार बनाया जाता है, ये नियम है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आप हर बार नहीं बना पाते हैं तो कोई ऐसा बहुत आवश्यक नियम भी नहीं है, आप एक साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर आप 16 सामग्री अर्पित नहीं कर पाते हैं या फिर आप 16 बत्तियों का दीपक नहीं भी जला पाते हैं तब भी आप सिर्फ एक बाती का दीपक जलाकर भी माँ की आराधना कर सकते हैं। षोडश मातृका नहीं बनाना चाहते हैं हर बार, तो आप हर बार की पूजा ऐसे ही साधारण तरीके से कर लीजिए, माँ की आराधना कर लीजिए। और लेकिन आप जब उद्यापन करते हैं तो उद्यापन में इस बात का ध्यान रखें कि उद्यापन वाले दिन आप षोडश मातृका भी बनाएं, नवग्रह भी बनाएं, 16 सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। तो 1650 माँ की पूजा उद्यापन वाले दिन विधि विधान से जरूर करें। उद्यापन वाले दिन अगर आप संभव हो तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर अगर उद्यापन कराते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे व्रत में हमसे कोई ना कोई भूल चूक हो जाती है, बीच के व्रतों में जैसे नहीं कर पाते हैं कुछ नियम, कई बार समय के अभाव के कारण या फिर जाने अनजाने कई चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो जब हम उद्यापन किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं तो विधि विधान से उद्यापन हो जाता है और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। छोटी मोटी गलतियां जो हमसे व्रत के दौरान हुई होती हैं माँ गौरी उसके लिए हमें क्षमा कर देती हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रयास करना चाहिए ब्राह्मण के द्वारा उद्यापन करवाएं, पर अगर ब्राह्मण नहीं आ पाता है तब भी आप स्वयं से उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन किस प्रकार से करना है इसके लिए मैं वीडियो आपको आगे जरूर दूंगी। अभी बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, आटे के दिए का क्या करना चाहिए या षोडश मातृका में जो सामग्री हमने प्रयोग की है उसका क्या करें? आटे का दिया जब ठंडा हो जाता है आप इस दिए को किसी गाय को खिला सकते हैं, या फिर जो जैसे आपके घर के आसपास कहीं साफ पानी, बहता हुआ पानी हो तो आप उस बहते जल में प्रवाहित कर दें, मछलियां या फिर जलीय जीव जो होते हैं वो इसे ग्रहण कर लेते हैं। आप इस आटे के दिए को जैसे तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों को भी दे सकते हैं, कबूतरों को भी खिला सकते हैं, मतलब जीवों को ये खिला दें, इस प्रकार से इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी प्रकार से षोडश मातृका में भी जो आपने सामग्री प्रयोग की है, कुछ लोग चावल द्वारा बनाते हैं, कुछ लोग गेहूं द्वारा बनाते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं षोडश मातृका बनाने के लिए, तो जो भी सामग्री आपने अर्पित की है ये भी आप किसी गाय को खिला सकते हैं या फिर इसी प्रकार से चींटियों को भी डाल सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं?
देखिए, मंदिर जाकर आप पूजा कर सकते हैं, कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन इस मंगला गौरी व्रत में बहुत ही विधि विधान से पूजा की जाती है। बहुत छोटे छोटे नियम होते हैं, कई चीज़ें हमें माँ को अर्पित करनी होती है, मंत्र जप करना होता है, प्रार्थना करनी होती है। तो विशेषकर इसमें अगर घर में चौकी लगाकर पूजा की जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है कि हम विधि विधान से पूजा कर पाते हैं, सुहाग की सामग्री भी अर्पित करते हैं, 16 प्रकार के फल अर्पित करने होते हैं। तो मंदिर में भीड़ होती है, कई बार नहीं कर पाते हैं, जैसे कि और भी लोग होते हैं पूजा के लिए, तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, या फिर समय के अभाव में या फिर भीड़ की वजह से कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हो जाती है। इसलिए आप प्रयास करें कि अपने घर में ही पूजा करें, घर में एक चौकी लगाकर, पाटा बिछाकर, माँ के लिए स्थान बनाकर और विधि विधान से माँ के सामने 16 बत्तियों का दीपक जलाएं। 16 बत्तियों का दीपक नहीं जलाना चाहते हैं तो आप एक बत्ती का दीपक भी जला सकते हैं। तो घर में पूजा कर लीजिए, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप घर में पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, हर सुहाग की सामग्री 16 की संख्या में होनी चाहिए या कुल मिलाकर 16 सामग्री होनी चाहिए? हर सुहाग की सामग्री मतलब 16 मेहंदी, 16 सिंदूर, 16 बिंदी, इस तरीके से होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। 1650 पूजा का विधान है माँ का, कि माँ को 1650 विधि से पूजा करनी चाहिए। लेकिन अब आपके पास सामर्थ्य है, आप अगर सभी चीज़ें 16-16 की संख्या में चढ़ा सकते हैं, अति उत्तम, आप ज़रूर चढ़ाइए। लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो इस तरह के भ्रम में ना पड़े, आप बिल्कुल 16 सामग्री माँ को अर्पित कर सकते हैं सुहाग की। मैं जैसे माँ को अर्पित करते हैं आप सामग्री, और आपके पास हर बार 16 सामग्री अर्पित करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो आप 5 की संख्या में भी सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं हर बार। लेकिन जो उद्यापन होता है उसमें 16 सामग्री अर्पित कर दीजिए। अब 16-16 की संख्या में अगर आप अर्पित करना चाहते हैं, सामर्थ्य आपके पास, तो ज़रूर कीजिए, नहीं तो कुल मिलाकर 16 सामग्री होनी चाहिए। और 1650 विधि से माँ की पूजा की जाती है, जैसे कि 16 सामग्री, 16 विधि होनी चाहिए माँ की पूजा की, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, ये सभी चीज़ें जो माँ को विधि विधान से पूजा की जाती है वो 1650 विधि से होती है। तो इस प्रकार से 16 सामग्रियों द्वारा हम माँ की पूजा करते हैं। अब आपकी अपनी इच्छा है, अपना सामर्थ्य है, अगर आप 16 प्रकार के फल अर्पित कर पाएँ, 16 प्रकार की मिठाई अर्पित कर पाएँ, 16-16 सुहाग की सामग्री अर्पित कर पाएँ, बहुत श्रेष्ठ होगा, माँ की अत्यंत कृपा है आपके ऊपर। लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ को कोई भी सामग्री अर्पित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। 16 प्रकार के फल ना हो तो जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, एक फल रखकर भी माँ की आराधना की जा सकती है। यथाशक्ति तथा भक्ति, हमेशा भगवान कहते हैं अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी भक्त मुझे अर्पित करते हैं मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके सामर्थ्य के अनुसार ही आपकी पूजा होनी चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न है, सुहाग की सामग्री कब दान करें? हर बार के व्रत के बाद दान करें या फिर जैसे उद्यापन वाले दिन दान करें? देखिए, ये दोनों ही तरीकों से हो सकता है। आप हर बार भी दान कर सकते हैं, जैसे मंगलवार को आप अर्पित करते हैं और बुधवार के दिन किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं, अपने परिवार के सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं। आप स्वयं भी इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें आप अपने लिए ज़रूर रखें, जो भी सुहाग की सामग्री आप माँ को अर्पित कर रहे हैं आशीर्वाद के स्वरूप में। और आप चाहें तो हर बार की सामग्री आप एक जगह इकट्ठी करके रखें और उद्यापन वाले दिन भी एक बार, आप एक बार में भी दान कर सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि कब दान करना है। अगला जो आपका प्रश्न है, पीरियड्स में क्या करें, व्रत करें या ना करें? देखिए, अगर आप सिर्फ सावन के ही मंगलवार के व्रत कर रहे हैं, सावन में ही मंगला गौरी के जैसे 4 व्रत आ रहे हैं तो 4 कर रहे हैं, तो ज़रूर इनमें से एक तो आपका छूटेगा ही। तो अगर आप सिर्फ सावन के ही मंगलवार कर रहे हैं तो आप जब भी पीरियड आता है आप उस मंगलवार को छोड़ दीजिए और बाकी के मंगलवार आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग संकल्प लेकर व्रत कर रहे हैं कि वो 16 मंगलवार का व्रत करेंगे, या फिर उन्होंने संकल्प लिया है कि वो एक साल तक 16 मंगलवार का व्रत करने वाले हैं मंगला गौरी का, या फिर 5 साल तक करने वाले हैं, तो इस प्रकार से आपने अधिक संख्या में अगर मंगला गौरी व्रत का पहले मंगलवार से संकल्प लिया है तो आप इस पीरियड्स के दौरान में भी व्रत करेंगे, पूजा नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी और के द्वारा पूजा करवा सकते हैं, ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, और या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य हो जो पूजा कर सके माँ मंगला गौरी का, तो उस मंगलवार को वो सदस्य भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको व्रत रखना होगा, नहीं तो आपका व्रत जो है वो खंडित माना जाएगा। तो जो लोग एक नियम के अनुसार 16 मंगलवार कर रहे हैं या अधिक कर रहे हैं वो सारे मंगलवार करेंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ सावन के ही मंगला गौरी के व्रत कर रहे हैं वो पीरियड्स में व्रत को छोड़ सकते हैं, कोई संशय नहीं है।
क्योंकि आप पूजा की स्थिति में नहीं हैं, तो आप व्रत रह कर क्या करेंगे। अगला जो आपका प्रश्न होगा कि हम किसी और से पूजा करवा लें, हाँ अगर आप ऐसा करना चाहें कि आप व्रत रखना चाहते हैं, व्रत छोड़ना नहीं चाहते हैं, परिवार का कोई सदस्य पूजा कर दे तो आप करवा सकते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न मैंने माँ मंगला गौरी व्रत से जुड़े हुए इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर आपका प्रश्न रह गया हो या आपका कोई प्रश्न इसके अलावा भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। माँ की आराधना करें और पूरे विधि विधान से माँ की पूजा करें। कुछ भी अगर छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, माँ महागौरी माँ मंगला गौरी हमें क्षमा करती हैं हमारी सभी भूलों के लिए, जब हम सच्चे मन से करते हैं प्रार्थना। तो आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।